Hello dear students, today we are going to study chapter 1 of your textbook Flamingo. The name of the chapter is The Last Lesson. It is written by Alphonse Daudet. The characters in this story are little Franz, who is the student, Mr. M. Hamel, who is the French teacher, and the villagers. The basic theme of the chapter is related to the own language of the land, the patriotism and the education. And the story is set in a village of Alsace. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War around the year of 1870-71, in which France was defeated by Prussia. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. Last lesson जो है वो उस time पर उन दिनों पर set किया गया है जब Franco-Prussian War हुआ था around 1870-71 में, जिसमें Prussia ने France को हरा दिया था. Prussia तब जो था वो Germany, Poland और Austria के कुछ parts को मिलाकर count किया जाता था. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस story के time पर French की कुछ districts जो थी वो already Germany Prussian hands में जा चुकी थी, जिसमें से दो district ऐसी थी Alsace and Lorraine, और इन्हीं district के ऊपर ये जो story है वो based है. Let us now find out what this situation had the effect on the life of school. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. मैं स्कूल के लिए उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था. मैंने स्कूल जाने के लिए लेट अपने घर से स्टार्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि M. Hamel जो हैं उन्होंने बोला था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर हमसे क्वेश्चनिंग करेंगे, हमारी टेस्ट लेंगे. यहाँ पर आई जो यूज़ कर रहा है वो एक बच्चा है जिसका नाम है लिटिल फ्रांस, फ्रांस उसका नाम है. वो अपने टीचर के बारे में बता रहा है जिसका नाम है एम हैमल. वो डरा हुआ है बिकॉज उसकी टीचर ने एक टेस्ट रखी है जिसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं पता. फॉर अ मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors. एक पल के लिए मैंने ऐसा सोचा कि आज स्कूल ना जाके मैं कहीं और चला जाता हूँ और पूरा दिन बाहर बिताऊँगा. It was so warm, so bright. बाहर दिन इतना सुंदर था, मौसम इतना सुंदर था. The birds were chirping at the edge of the woods. Birds की chirping की उनकी आवाज़ें आ रही थी. And in the open field, back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Sawmill के पीछे वाला जो ground है, जो open area है, वहाँ पर Prussian soldiers जो हैं, वो drilling कर रहे थे, यानी अपनी drill की practice कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule for participles. ये सारी चीज़ें मुझे participles से बहुत ज़्यादा tempting लग रही थी, attractive लग रही थी, but I had the strength to resist and hurried off to school. लेकिन मुझे अपने आप को रोकना पड़ा. मुझ में इतनी ताकत थी कि मैंने अपने आप को रोक लिया और फटाफट मैं स्कूल की तरफ चलता गया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत भीड़ जमा हुई थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी खबरें आई है वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आई है. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. जितनी भी वॉर हमने हारी, ऑफिसर्स की तरफ से जो भी ऑर्डर आए, सब कुछ हमेशा इसी बुलेटिन बोर्ड से पता चलता है. आज वैसे तो मैं यहाँ पर रुका नहीं, बट मन ही मन मैंने ऐसा सोचा कि पता नहीं आज यहाँ पर कौन सी न्यूज़ आई होगी. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉच्ड हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी.
मैं और स्पीड में चलने लगा और जैसे ही मैं आगे जा रहा था मुझे ब्लैकस्मिथ मिला और एक वॉचटर मिला. वॉचटर इज एक्चुअली अ वॉचमैन. वॉचमैन के लिए वॉचटर वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जो वहाँ पर खड़ा हुआ था अपने अप्रेंटिस के साथ यानी अपने असिस्टेंट के साथ, और वो बुलेटिन में कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था. जब उसने मुझे गुजरते हुए देखा पास से तो उसने मुझे बुलाया. डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. और उसने बोला कि इतना जल्दी जल्दी मत चलो, तुम आराम से समय से पहले ही अपने स्कूल पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. मुझे लगा कि ऐसा बोलकर शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, और जल्दी जल्दी चलकर मैं एम हैमल के गार्डन में पहुंच गया, लेकिन तब तक मेरी सांस बिल्कुल फूल चुकी थी. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. Generally, जब भी स्कूल चालू होता था बहुत ज़्यादा शोर शराबा और भीड़ होती थी, और जिन चीज़ों की आवाज़ स्कूल की आवाज़ हम बाहर तक भी गलियों में सुन पाते थे. The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and teacher's great ruler rapping on the table. बार बार डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़, हम लेसन्स ज़ोर ज़ोर से साथ में रिपीट करते थे उसकी आवाज़, और टीचर की जो रूलर थी, जो स्केल थी, उसकी भी बेंच पे या टेबल पे मारने की आवाज़ आ रही होती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. लेकिन अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मैंने अपने कदमों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि चलते चलते आवाज़ न आए और किसी को पता न चले कि मैं लेट आया हूँ, लेकिन क्योंकि उस दिन सब कुछ बहुत शांत था तो आवाज़ तो आनी ही थी. Through the window I saw my classmates already in their places. जैसे ही मैंने विंडो से झांक के देखा तो सारे जो मेरे क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठ चुके थे. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. एम हैमल जो थे वो वहाँ पर वॉक कर रहे थे और उनके पास उनकी वो आयरन वाली रूलर भी थी, स्केल भी थी. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे दरवाज़ा खोल के अंदर तो जाना ही था. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप तो समझ ही सकते हैं कि इस तरह से लेट जाने में मुझे कितनी शर्म भी आई होगी और मुझे बहुत डर भी लगा होगा. But nothing happened. लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." M. Hamel ने मुझे देखा और बिल्कुल प्यार से बोला कि अपने प्लेस पर जल्दी जाकर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन चालू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं फटाफट से बेंच के ऊपर कूद कर गया और अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड that he never wore except on inspection and prize days. मैं इन सब से थोड़ा सा बाहर आ ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र जो है वो टीचर के कपड़ों पर गई. उन्होंने वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के रखा था, उनकी फ्रिल वाली शर्ट, सिल्क वाली कैप जो पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. वो वाली ड्रेस वो सिर्फ और सिर्फ दो ही ओकेजन पे पहनते थे, जब स्कूल में किसी का इंस्पेक्शन आने वाला हो या तो फिर कोई प्राइज डेज हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलमन. उसके अलावा तो बाकी दिनों पर स्कूल जो है वो बहुत ही साइलेंट रहता था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्स. एक और चीज़ जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, शॉक हुआ, वो ये थी कि पीछे साइड की बेंचेस, लास्ट बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, आज उन पर विलेजर्स बैठे हुए थे, गांव के जो लोग हैं वो बैठे हुए थे. ओल्ड हॉज
विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट. कौन कौन बैठा हुआ था? सबसे पहले ओल्ड हॉजर, उनकी जो हैट थी वो तीन कोनों वाली हैट थी. द फॉर्मर मेयर, पहले जो मेयर रह चुके थे वो. द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पहले के पोस्टमास्टर. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, सबको देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एजेस. हॉजर जो है वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लेकर आए थे. प्राइमर का मतलब होता है बुक. थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड एट द एजेस का मतलब है जिसके कोने जो थे वो दबे हुए थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. उन्होंने वो किताब खोल रखी थी और किताब बुक के ऊपर जो पेजेस खुले हुए थे उसके ऊपर उन्होंने अपने स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे रखे हुए थे. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू सेड मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू. मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से एम हैमल ने अपनी चेयर निकाली अपनी उसी ग्रेव जेंटल टोन में जैसे पहले उन्होंने मुझसे बात की थी. उन्होंने फिर से बोला, माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू. ये मेरा लास्ट लेसन होगा जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलसेज एंड लॉरेन. बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जिसके हिसाब से अलसेज और लॉरेन में जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया मास्टर है, नया टीचर है, वो कल से ज्वाइन करेगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. ये आप लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. मेरे लिए ये सब सुनना, ये सारे वर्ड सुनना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, जैसे बिजली गिर गई हो. ओ द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अच्छा, तो यही चीज़ें थी, यही बातें थी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में लगी हुई थी. लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. क्या ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है? लेकिन ऐसा क्यों? मुझे तो अभी तक अच्छे से लिखना भी नहीं आया. I should never learn any more. और अब मैं आगे कुछ सीख भी नहीं पाऊँगा. I must stop there then. अब तो मुझे यहीं पर ही रुकना पड़ेगा. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the sar. मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने ध्यान से अपने lessons को सीखा नहीं. जब भी एम हैमल पढ़ाते थे मैं उनकी क्लास को छोड़ के या तो बर्ड्स के एग्स ढूंढने के लिए निकल जाता था बाहर, या तो सार जो कि एक रिवर है वहाँ चले जाता था. माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. मेरी बुक्स जो कुछ समय पहले तक ही मुझे अपने लिए एक न्यूसेंस, अपने लिए एक प्रॉब्लम लग रही थी, इतनी हैवी जिसको मुझे उठा के लाने में भी प्रॉब्लम होती थी, ग्रामर के बुक, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, ये सारी चीज़ें अब मुझे एक ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त हो और वो अब जा रहा हो, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहा था. एंड एम हैमल टू, एम हैमल को भी जाते हुए देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. जैसे ही मैंने इस बारे में सोचा कि एम हैमल जो है वो तो अब चले जाएंगे, अब हमें शायद उन्हें कभी क्लास में देखने का मौका नहीं मिलेगा, ये सब सोचने के बाद जो उनकी रूलर थी, जितने वो स्ट्रिक्ट थे, जितने वो स्ट्रेंज थे, वो सारी बातें मैं भूल गया.